गोरखपुर मियां साहब इस्लामिया एमएसआई इंटर कॉलेज में आयोजित जलसा इसीरतुनबी के तहत रविवार को प्रदेश स्तर पर मदारिस अरबिया और स्कूल व कॉलेज ग्रुप के विद्यार्थियों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। छात्रों की छुपी प्रतिभा से मंच सुशोभित दिखा। किरात, कुरान पाठ, भाषण, तकरीर व नातिया मुकाबले के जरिए छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जजों व उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। छात्रों के साथ उनके परिजन पूरे दिन हौसला अफजाई करते दिखे। विभिन्न विषयों पर छात्रों ने उम्दा तकरीर भाषण कर खूब तारीफ बटोरी। दूसरी तरफ दीनी तालीमी नुमाइश के जरिए महिलाओं, बच्चों, छात्रों व बुजुर्गों ने इस्लामी तारीख को करीब से जानने की कोशिश की। मुकाबलों के साथ सभी ने नुमाइश का आनंद उठाकर कीमती जानकारी हासिल की। कॉलेज के प्रबंधक महबूब सईद हारिस ने शिक्षकों व छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अक्षर ज्ञान के साथ संस्कार मिले तो जीवन संवरता है, इसलिए हमें अपने जीवन में संस्कारों को अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुधर सके। कहा कि जीवन में कठिनाई व परीक्षा को चुनौती के रूप में स्वीकार करना व पूरे मनोभाव दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी कार्य को करने से सफलता जरूर मिलती है। प्रधानाचार्य जफर अहमद खान ने कहा कि प्रतिभा गरीब अमीर उम्र और रुतबे की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा तो उस हीरे की तरह है जो कांच के टुकड़ों के ढेर के बीच पड़ी रहती है, बस पारखी ही उसे पहचानते हैं और तराश कर उसे कोहिनूर बना देते हैं। इस मौके पर मुख्तार अहमद, शाहिद नबी, रिजवानुल हक, अनीस अहमद, मो जाबिर, अब्दुल तुराब, नजमुद्दीन अहमद, मंजूर आलम, अहमद तंजीम, नवेद आलम, शफकत अली खान सहित शिक्षक, छात्र व परिजन मौजूद रहे। मदरसा रजा ए मुस्तफा तुर्कमानपुर के छात्र हाफिज सैफ अली ने एमएसआई इंटर कॉलेज बख्शीपुर में की जबरदस्त तकरीर। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिरादरी मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم। मेरे मालिक तो महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, कि मेरे मालिक तो महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, आला है तू इतना कि तेरा जिक्र अली है। ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है, ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है। फातिर है तो फिर फातिमा जहरा का खुदा है। खल्लाक अदल मालिक कुल साहिब हस्ती, खल्लाक अदल मालिक कुल साहिब हस्ती, मैं तेरे लिए हर के गली सोच रहा हूँ। और कई लाख बरस बीत गए तेरी सना में, कई लाख बरस बीत गए तेरी सना में, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। मुअज्जज़ा माईं, आज मेरी तकरीर का उन्वान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी का मक्की दौर है। हमारे आका रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पैदा हुए। हमारे आका अली सलातो व सलाम ने अपनी 53 साल की जिंदगी अरब के उस खित्ते जमीन को अपने वजूद मसऊद से मुशर्रफ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जाहिरी हिस्सा अक्सर मक्का मुकर्रमा में ही गुजरा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खानदान यहीं पर आबाद था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर किया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलादों की पैदाइश भी इसी पाक सरजमीन पर हुई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहीं से ऐलान नबूवत फरमाया और कारहिरा में आप पर अव्वलीन वही का नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के मराहल यहीं से अंजाम दिए गए। हर कदम मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यादों से वाबस्ता है। हम इस मक्की दौर को दो अहम हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, पहला कबले ऐलान नबूवत, दूसरा बाद ऐलान नबूवत। कबले ऐलान नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम रज़ाइल पाक और महामी से मुज़य्यन नजर आते हैं, और ये लाजिम भी है कि जिसके जरिए ता कयामत लोगों तक
पैगाम इलाही पहुंचाना है, उनका मासूम होना बुनियादी तौर पर जरूरी है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत का मोतरिक सारा अरब था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अक्वाल सच्चे, अफ़ाल अमानत और दयानत और हक और सदाकत के दाई रहे। जब अहले अरब गुनाहों की गुनाह जब अहले अरब गुनाह पर निदामत और अफसोस तो क्या, बल्कि फख्र और सुरूर से काम लिया करते थे। मासूमियत कराह रही थी, मजलूमों का कोई पुरसान हाल ना था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ, अमानत और दयानत, रियायत और मुरव्वत के जरिए एक बेनजीर की मिसाल पेश की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक तैयबात की बरकतें यह थी कि अहले अरब आपकी अमानत और सदाकत पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत पहुंचे, मगर कुछ ऐसे लोग थे जो उस कलमे को ना पढ़ सके और उस अब्दी शहादतों से महरूम रह गए। आका अली सलातो सलाम की जिंदगी हम लोगों के लिए मशाल राह है और हम सबको चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने, समझने और सीखने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको आका अली सलातो सलाम की सीरत पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वअतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।